हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रमज़ान का 8th रोज़ा और ये देखिए आज एक बिल्ली आई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। एक कप दूध रोज पिएगा, मटन और दूध। पियो उसको? नहीं पियो। तेरा पालतू शेर है, छोटा शेर। और फिर यहाँ पे आ गए प्लांट में वाटर डालने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रमज़ान का 8th रोज़ा और चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। और यहाँ जनाब अच्छे से मोबाइल चला के आराम से सो रहे थे। ये क्या हुआ, अभी तो सो रहे थे तू? मोबाइल चल रहा है और सो रहे। इधर आओ, एग्जाम हो गया तेरा? नहीं, कब है लास्ट? कल है लास्ट। कल छुट्टी है? फिर टाइम हो गया था नमाज और कुरान शरीफ तिलावत करने का, तो यहाँ पे बस ये सब चीज़ें हो रही है। नमाज हो गई, फिर कपड़ा को बाहर जाके फैला दी क्योंकि कपड़ा धुल चुका था। क्या हो रहा है, क्या बजे का अज़ान हो रहा है? 4 बजे वाला। असर? और रोज़ा भी लगा? रोज़ा लग गया। ओह माय गॉड, यहाँ पे जो हमारा इंडोर प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है उसका पत्ती, और यहाँ पे गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से यहाँ पे हम वाटर दे रहे हैं। और फिर बाद में हस्बैंड जो भी लीव जो सूख गए थे उसे अच्छे से कट कर रहे थे। आपका इंतजार कर रहे हैं। इसका बनेगा दाल साग, आलू और परवल का। यहाँ चढ़ गया है चना। यहाँ फ्रिज खराब हो गई थी तो यहाँ पे ठीक करने के लिए आए हुए हैं। तो बोल देते कुछ। पालक साग? हाँ पालक साग होता है। पालक ही होता है? अरे पालक साग ही नहीं बोला था। पालक साग होता है। और दाल? और दाल मिक्स और भुजिया, मतलब पालक सा, मतलब पालक और दाल। पालक दाल। और तुम काम कर अपना। जा रे, रिटर्न नहीं हुआ रे। हम आजा हो गई। हां यहां लेट से होता है। हो गया। हां पढ़ ली। और क्या आज फुल वेज? अच्छा है, गुड गुड। आज लाया नया चीज बनाना, देखो कैसा लगता है। पैकेट वाला फ्राई करना है उसको। ठीक है, लास्ट। और यहाँ ऑलमोस्ट सब्जी भी डन हो गया था और चूड़ा वगैरह भी फ्राई हो गया था, बस पकौड़ा बनना बाकी था। और यहाँ इस साइड हम लोग इफ्तार की प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब शरबत वगैरह, फ्रूट्स कटिंग वगैरह। इधर मैं और हस्बैंड मिल के ये सारी चीज़ें कर रहे थे। इफ्तारी की तैयारी? रोटी अच्छा नहीं है। क्या ना? पिंक वाला? पिंक पिंक है? नहीं, मूली है बस। यहाँ आज की अफ्तारी में ये सारी चीज़ें थी। और इस साइड थोड़ा सा काम बाकी था अफसाना बाजी का, तो वो उस साइड थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कर रही थी और अभी ने जाना था तो हम इस साइड इन्हें अफ्तार का जो भी है इनके लिए भी लगा रहे थे और खाना वगैरह जो है इनका पैक कर रहे थे। ये लग गया अफसाना बाजी का और यहाँ पे आपका डब्बा लाल हरा पीला अच्छा लग
फिर मुझे याद आया कि हस्बैंड लाए थे फ्रोज़न कुछ था, तो सोचे चलो उसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे वो निकाल रहे हैं, ये रोल है और आई थिंक पटैटो का कुछ स्माइली फेस जैसा बना हुआ था। काफ़ी बहुत बेकार भी नहीं था, मतलब ठीक ठीक था खाने के में, जब हम अफ्तारी में खाए तो ठीक लगा, अच्छा लगा। बट ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, काफ़ी क्यूट सा लग रहा है, देखें अच्छा लगेगा। ये दो दो चार ये स्माइल तेल दे नहीं, बहुत तेल है, हो जाएगा। और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट थे क्योंकि इसे भी फ्राई करना था, फिर अफ्तार का भी टाइम ऑलमोस्ट हो जाता। तो ये फ्राई हुआ, फिर अफ्तार का टाइम हो ही गया था, 2-3 मिनट बाकी था, तो फिर ये हम अच्छे से कर लिए, फिर इफ्तार टाइम हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ ऐसे भी कर सकते हैं। खाओ खाओ, आज अब से तो कुछ आलू का है। हम लोग की अफ्तारी बहुत अच्छी गई, फिर हम लोग का टाइम हो गया था नमाज का, तो हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा चाय पिए, फिर रेस्ट किए, फिर हस्बैंड चले गए थे तरावी में, तो हम इधर रोटी और बर्तन जो भी एक्स्ट्रा काम बचा था, तो फिर हस्बैंड आ गए। कभी कभी लेट हो जाता है ना। हाँ तुम लेट से गए भी थे। देखो यहाँ देखो क्या हो गया, नमाज दाग हो गया, नमाज नमाज पढ़ रहे रमजान में थोड़ा देखो ना कांस्टेंट देखो अच्छे से, कहाँ कुछ नहीं है, वो ड्राइनेस हो गया है, ड्राइनेस नहीं ये दाग हुआ, दाग नहीं हुआ, इतना जल्दी दाग नहीं हो जाएगा। अरे हो जाता है, जो नमाजी होता है ना उसका जल्दी हाँ होता है, लेकिन जो नेक दिल होता है ना उसका नमाजी भी जल्दी हो जाता है। अरे बाबा नेक दिल, तुम्हें एक नेक दिल हो, राइट। तो हम फिर डिनर किए, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।